गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए ये मेरे कपित जम्बु फलचारु भक्षणम् उमा सुतं शोक विनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मम
मदभक्तायत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासा सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तम् तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तम् नमामि साई निवेदनम् समस्त देवी देवताओं ब्रह्मांड चराचर में व्याप्त समस्त शक्तियों का आह्वान शिरडी में बाबा की तपोभूमि उनकी तपस्या का स्थल वो नीम का पेड़ जो कटुता के साथ साथ मिठास लिए हुए भी था उसका स्मरण उसको नमन करते हुए आइए हम सब के सद्गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज को निवेदन करते हैं कि वे इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत ज्ञानेश्वर की लीला नगरी कर्म क्षेत्र
आलंदी के इस भव्य साई मंदिर में इस श्री साई अमृत कथा को स्वयं करें, स्वयं सुने। इस कथा के दौरान बोले जाने वाले एक एक शब्द को वे अपना आशीष प्रदान करें, जिससे साईं बाबा की शान में हमसे कोई त्रुटि ना हो। वे स्वयं अपनी कथा का बखान करें और श्रोताओं के कानों में वे स्वयं जाके बैठ जाएं, जिससे उनके कानों के माध्यम से ये कथा साईं के भक्तों में साईं का सही रूप का परिचय करा सके। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु पूर्णिमा का ये पावन त्योहार गुरु का उत्सव, गुरु शिष्य परंपरा का सेलिब्रेशन, हम सब जीवन में यही चाहते हैं कि हम अपनी दुख तकलीफों की मुश्किलों से निजात पाने के लिए अपने गुरु साईनाथ महाराज को उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें, जिससे हम अपनी दुख तकलीफों से मुक्ति पा सकें, साईं के साथ एकाकार हो सकें, अपने जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है उसको साईं की कृपा से, साईं की मदद से दूर कर सके। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, 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 अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, हे मेरे Thank you.
के मझधार में साईनाथ महाराज को अपना सर्वस्व नछावर करने के इस प्रार्थना के बाद आइए हम बाबा के गुरु स्वरूप पर चर्चा करें।
साईं भगवान हैं, संत हैं, ईश्वर हैं, साधु हैं, फकीर हैं, औलिया हैं, इस पे तो विवाद हो सकता है, लेकिन इस बात पे कभी विवाद नहीं हो सकता कि साईं गुरु हैं, सदगुरु हैं, राह दिखालते हैं, गिरने वाले को संभालते हैं, लड़खड़ाने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं, डूबते सूरज में रोशनी देते हैं, उन कानों को जिनको सुनाई देना बंद हो जाता है उनमें आशा का संचार करते हैं, डूबते दिए जलाने लगते हैं, जिनको प्रेम नहीं मिलता उनको प्रेम देते हैं, जो दुख तकलीफ में होते हैं उनको आसरा देते हैं, जो रास्ता भटक गए हैं उनको हाथ पकड़ करके राह दिखाते हैं। साईं कौन है, गुरु क्या होता है? गुरु शब्द की व्याख्या यदि हम करने जाएं तो गुरु शब्द को दो अक्षरों में विभक्त किया जाता है, तो हमारे हाथ में आता है गु और रू। गु यानी अंधकार, अंधेरा, तिमिर, निशा, और रू यानी हटाने की क्रिया, यानि अंधेरे में जो उजाला कर दे वो गुरु होता है। इस बारे में कभी बहस नहीं हो सकती कि साईं गुरु हैं, हमारे अंधेरे जीवन में वो रोशनी करते हैं। साईं आशा की किरण है, जैसे वो यहां पर बैठे हुए हैं, बात बात में हम उस मूर्ति की तरफ देखते हैं और साईं में हमें आशा नजर आती है। अपने सवालों के जवाब में हम साईं की मुस्कान को देखते हैं, उनकी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके सिर पर रखा हुआ फूल अगर गिर जाए तो हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा होता है तो हम ये उम्मीद रख कर के मंदिर में आते हैं कि यदि साईं बाबा ने आज गुलाबी रंग के कपड़े पहने होंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हम साईं को उस मूर्ति में ढूंढने लगते हैं और यकीन मानिए ये सामने जिस खूबसूरत मूर्ति की मैं बात कर रहा हूं, इस मूर्ति को देखते ही सारे के सारे प्रश्न उत्तरित हो जाते हैं। हम साईं को ढूंढते हुए शिरडी जाते हैं, लेकिन इस जगह पर आकर के ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे साईं इस मूर्ति में स्वयं शिरडी के रूप में विराजमान है। इस मूर्ति के एक एक कण में साईं विराजमान है। तेरी मूरत सामने देखी तो तेरी मूरत सामने देखी साईं दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते राह
चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई, दिल की बगिया खुल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई, तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई, राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान, तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान, तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान, जो भी गाते मीठे लगते हो आरतिया हो अजान, राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, अल्लाहु अकबर अल्लाह, जो भी गाते मीठे लगते हो आरतिया हो अजान, जो भी गाते मीठे लगते हो आरतिया हो अजान, इंसानियत की सारी खुशियाँ, खुशबू तेरे घर पे मिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, तेरी मूरत सामने देखी साई, दिल की बगिया खिल गई, तेरी मूरत सामने देखी साई, दिल की बगिया खिल गई, राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, साई सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई।
साई अद्भुत अनुभूति और अद्भुत इतिहास अभी बना। मुझे बताया गया कि आज तक बाबा को केवल इसी मूर्ति को चिलम लगाई जाती थी। मंदिर प्रबंधन ने निर्णय किया था कि आज से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व से बाबा के द्वारका माई में जो प्रतिमा है उस पर भी चिलम लगाई जाएगी। और बाबा का लेखा देखिए, विधि का विधान देखिए कि वो चिलम लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ बाबा की कृपा से। तो बाबा के जीवन में चिलम का बहुत बड़ा महत्व है। चांद पाटिल को बाबा की शक्तियों का पता चिलम के माध्यम से चला। धुरंधर बंधु का दमा चिलम के, बाबा की झूठी चिलम पीने से ठीक हो गया। कृष्णराव जागेश्वर भीष्म को श्री साई सगुणोपासना लिखने की प्रेरणा बाबा की चिलम पीने के बाद मिली। बाबा को अपनी चिलम से बड़ा प्रेम था। जब वो समाधिस्थ हुए तो उनके जो सामान बचा हुआ था उसमें से एक चिलम भी निकली और एक चिलम बाबा के साथ शिरडी में बाबा की समाधि में भी रखी हुई है। और देखा जाए तो हम लोग चिलम से कुछ अलग नहीं है, हम लोग बिल्कुल चिलम के जैसे ही होते हैं। कच्ची मिट्टी की मानन हमें हमारे माता पिता एक शरीर देते हैं। वो शरीर दुनियादारी में तपता है जैसे चिलम आग में तपती है। वो चिलम भी काली पड़ जाती है, हम भी दुनियादारी की धूप में जलते जलते काले पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में द्वेष होता है, परेशानियां होती हैं, आंसू हमारे थमते नहीं हैं। और बाद में उस चिलम को इस बात का इंतजार रहता है जैसे हमें, कि हम साई जैसे सदगुरु के अधरों पर लग जाएं और हमारा जीवन तपना, जलना, काला पड़ना सब सफल हो जाए। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मिट्टी की जलना मेरी तकदीर।
पांच लम्हों मिट्टी की जलना मेरे तकदीर, पांच लम्हों मिट्टी की जलना मेरी तकदीर। बाबा के बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर, मैं चिलम हो मिट्टी की, मैं चिलम हो मिट्टी की, मैं चिलम हो मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर, मिट्टी की जलना मेरी तकदीर। और बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम सब एक चिलम जैसे ही हैं और जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, तपते रहते हैं, एक शक्ल ले लेते हैं और इंतजार रहता है कि साईं हमें अपने अधरों से लगा ले, हमारी किस्मत पलट, हम साईं का प्रसाद बन जाए। हम सबके मन में यही इच्छा होती है। कुमार ने मिट्टी से गढ़ा कुमार ने, धरती पे तपी अंगार में, धरती पे तपी अंगार में, मिट्टी से गढ़ा कुमार ने, धरती पे तपी अंगार में, रही मस्त साईं के प्यार में, मुझ भा गया पागल पति, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तपदी, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तपदी। उजली हो गई मेरी आत्मा, उजली हो गई मैं जल कर काली हो गई मेरी आत्मा, उजली हो गई मैं साईं भजन में खो गई, मुझे जाया करे जाती, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। बड़ी घबरा रही मैं, बड़ी बड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही, मुझे याद साईं की आ रही, मैं बड़ी बड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही, मेरी धड़कन बढ़ती जा रही, मेरी आंखों से झलके, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर, मैं चिलम हूँ बन गई मेरी तकदीर। मैं बाबा के जय हो, बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर।
देखिए ऐसा है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और उत्सव है तो हम लोग इतने सब सीरियस ना बैठे। उत्सव है, बढ़िया सजावट की गई है, बाबा की आभा जबरदस्त तरीके से चमक रही है, बहुत स्वादिष्ट भोजन भंडारे में आप सबको परोसा जा रहा है जिसकी खुशबू यहां तक आ रही है। बाबा अपने शिष्यों को इतना सीरियस बैठे रहने नहीं देखना चाहते। दुख परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी चिंता में घुलते रहते हैं, जलते रहते हैं, हमारे अंदर अंगार से रहते हैं। बॉस के साथ ऑफिस में झगड़ा हो गया, बॉस ने खरी खोटी सुना दी तो घर पे आकर, क्योंकि हम शक्तिशाली पर तो कभी गुस्सा उतार नहीं सकते, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने बूढ़े माँ बाप पर गुस्सा उतार देते हैं। सवेरे टिफिन को देरी हो गई, पत्नी ने टिफिन कुछ देर से बनाया, तो रास्ते में जब जाते हैं तो किसी कार वाले से झगड़ा कर लेते हैं, क्रॉसिंग पर कोई बच्चा जेब्रा क्रॉसिंग से अपना स्कूल बैग ले हुए जा रहा है उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। हमारा गुस्सा उसकी कैफियत होती है कि वो हमेशा कमजोर पर ही उतरता है, कभी शक्तिशाली पर हम गुस्सा नहीं होता। और वो गुस्सा करते 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 हमारी शक्ल जो है वो बदल जाती है, हमारी पर्सनालिटी बदल जाती है, हम हंसना भूल जाते हैं, बात बात पर झल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं न जाने क्यों, इतने सीरियस हो जाते हैं कि यहां बैठे बैठे बाबा के दरबार में बैठे हैं, ऐसी जगह बैठे हैं जहां सारी मुरादें पूरी होती हैं। वो फकीर खुद फटे कपड़ों में रहा लेकिन उसने हम सब की मुरादें पूरी की, आज जबकि उसको समाधि लिए हुए 98 साल होने को आ गए हैं, आज भी वो फकीर समाधि से हमारी सबकी इच्छाएं पूरी करता है। साई में विश्वास का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारे जीवन से डर खत्म हो जाना चाहिए। साई जैसा सदगुरु अगर मिल जाता है तो जीवन में गुस्से के लिए, क्लेश के लिए, द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अरे साई की महिमा तब है जब साई में हंसते हुए यकीन किया जाए, रोते हुए यकीन तो कोई भी करता है, साई के भक्त की खासियत ये होती है कि वो साई में हंसते हुए यकीन करता है, उसके ऊपर जितने दुख परेशानियां आए वो हंसता रहता है। और अगर आज तक आप हंसना भूल चुके हैं तो आज इस गुरु पूर्णिमा को प्रण कीजिए कि आपके ऊपर जितनी दुख तकलीफें पड़ेंगी आप उनका हंसते हुए सामना करेंगे, ताकि उन दुख तकलीफों को भी आपसे ईर्ष्या होने लगे कि मैं इतनी तकलीफ इसको दे रही हूं लेकिन ये फिर भी मुस्कुराता है। दुख का मजा तो तब है जब आपके ऊपर दुख पड़े और आप दुखी ना हो, वैसे ही सुख का मजा तब है जब आपको बहुत सारा सुख मिले लेकिन आप हवा में ना उड़ने लगे। साईं आपको बैलेंस करना सिखा देता है, साईं ऐसे सदगुरु हैं जिन्होंने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जो तपस्या की उसका फल ऐसा रहा कि वो जो नीम का पेड़ जो जन्मजात कड़वा होता है उसके पत्ते भी मीठे हो गए। आप अपने मन में साईं को बिठाइए तो सही,
आप आज जितने कड़वे हैं उतने ही मीठे हो जाएंगे। आइए, जिस तरह से साईं शिरडी में आए थे और उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या करके उस पेड़ का नेचर, उस पेड़ का स्वभाव बदल दिया था, हम सब भी आंख बंद करके कुछ देर के लिए ये विचार करें कि साईं शिरडी गांव में आए हैं, और वो शिरडी गांव वो नहीं है जो महाराष्ट्र में वहां पर है, जो यहां से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो शिरडी गांव हम हैं, और हमारा दिल वो नीम का पेड़ है जिसमें कुविचार है, जिसमें द्वेष है, जिसमें झूठ बोलने की इच्छा है, जिसमें धोखा देने की इच्छा है, जिसमें गुस्सा भरा पड़ा है। और साईं को बिठाते हैं आइए उस पेड़ के नीचे, और साईं से ये प्रार्थना करते हैं कि हे साईनाथ महाराज, तूने जिस तरह उस कड़वे नीम के पत्ते मीठे कर दिए थे, उस तरह तू हमारे मन में आके बैठ जाए, हमारी सारी कड़वाहट घोल दे, हमें भी मीठा कर दे साईं। फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव को बुलाइए, अपने मन में बिठाइए। एक फकीर आया शिरडी गांव में, एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, ओ जो पर मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर कोई पीर फकीर बताए, कोई कहे संत
है कोई पीर फकीर बताए, जाने किससे बातें करे हवाओं में, हो जाने किससे बातें करे हवाओं में, आ बैठा वो नीम की ठंड छाओं में। एक पीर आया शिरडी गाँव में, चुपके चुपके आते हैं, ऐसे आते हैं, उस रूप में आते हैं, उस स्वरूप में आते हैं कि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने, है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने, चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने, चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने, मांगे सबकी खैर वो दुआओं में, वो मांगे सबकी खैर वो दुआओं में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। और बाबा गम मिटाते हैं, खुशी को लाते हैं। कैसे? आपके रास्ते से सारे दुख तकलीफ वो दूर करते चलेंगे। आप साईं साईं बोलते रहो, साईं पे यकीन रखो, उनको प्रेम करो, कोई आडंबर मत करो, कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई तंत्र नहीं करना है, कोई गंडा ताबीज नहीं बांधना है, कोई अंगूठी नहीं पहननी है, कोई आडंबर ढोंग नहीं करना है। मेरा साईं तो सिर्फ प्रेम का भूखा है, और जब उसको प्रेम करोगे तो साईं क्या करेंगे? कांटे चुन कर फूल बिछाए राह में, कांटे चुन कर फूल बिछाए राह में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में।
पर